एंड देन इफ वी टॉक अबाउट व्हाट और क्या होता है फिट मटेरियल, हाँ बस यही तो होता है. Welcome back to my channel. I am Niharika and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel. So, we are back with another under budget haul. This time I got all the tops from Ajio and that too under rupees 300. So, 300 के अंदर मैंने 8 top लिए हैं and दिखने में तो सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं but हम फटाफट से पहनेंगे, fits check करेंगे and आपको बताएंगे कि आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए. So, if that interests you then keep on watching. So, yes, the first one that I got is this. I absolutely love the print. The print is really nice. लीफ लीफ बनी हुई है ब्लैक टॉप पे वाइट कलर से. आई लाइक द स्लीव्स ऑल्सो. नीचे इलास्टिक है सो हल्का सा पफी स्लीव्स है. नेक भी अच्छा खासा ब्रॉड नेक है. द मटीरियल इज रियली नाइस. इट्स कॉटन बट एक्चुअली आई डोंट वेयर इतने लंबे लंबे टॉप्स. आई जस्ट डोंट. सो ये इतना लंबा है. सो वॉट आई डिड वॉज आई टक्ड इट इन माई ब्रा एंड देयर यू गो. It looks nice, but you can always tuck it in your jeans or something of that sort. और अगर आप लंबे टॉप पहनते हो, मतलब ऐसा यहाँ तक वाले टॉप पहनते हो, तो आप वो भी पहन सकते हो. Alright, so the next one that I got is this striped one, blue shades में. Excuse that, blue shades में stripes है and this is more towards you know. यू कैन से फॉर्मल लुक. आप इसको ऑफिस में पहनकर जा सकते हो, मतलब डेली में तो आई डोंट थिंक दिस गोज. बट मैंने एक फॉर्मल टॉप भी मंगा लिया ताकि अगर कोई ऑफिस जाता है तो उसके पास भी एक ऑप्शन हो. यू कैन टक इट इन योर स्कर्ट और योर ट्राउजर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड इट लुक्स रियली नाइस. दिस इज इन साटिन मटीरियल, जो साटिन वाला कपड़ा होता है. नेक भी बड़ा नहीं है. Perfect for office and I love the fit. Fit is perfect. सब कुछ ठीक है. सिर्फ again I don't wear इतने लंबे लंबे tops, तो मैं tuck in करके ही पहनती हूँ. It depends upon you, your comfort level. Office में आपको कैसे पहनना है. आप इसके ऊपर blazer भी डाल सकते हो, नीचे skirt डालकर tuck in करके भी पहन सकते हो. And if you want to wear it like daily में और office नहीं जाना, तो what you can do is you can just take your top like this. There you go. ये एक बहुत अच्छा सा क्रॉप टॉप हमारा बन गया है. आप इसको ऐसे टक इन करके भी पहन सकते हो अगर आपको ऑफिस में नहीं पहनना है तो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई गॉट दिस वेरी क्यूट वेरी प्रिटी प्लेन बेसिक रेड कलर में टी शर्ट. आई लव दी दिस डिटेलिंग, जो स्लीव्स पे डिटेलिंग दी हुई है. ये बहुत प्रिटी है तो इस वजह से ये एक बेसिक टी शर्ट भी नहीं लग रही. एंड दिस इज एक्चुअली इन कॉटन एंड इट हैज दिस work all over it. So it's not a normal hojri wali t-shirt jo hoti hai, wo nahi hai. It is cotton mein, you can call it a top actually, wo hai. And of course again you can tuck it in or jaisa bhi aapko acha lage aap isko fold karke bhi pehen sakte ho. Whatever you like. I to absolutely love it. Main rose mein I like these kind of things. Aap mere ghar aaoge na, aapko main t-shirt, pajama, night suit ya ye sab pehne mein milungi. Main kabhi bhi kuch aur nahi pehnti hu. And this is gonna be my everyday love from now on. Trust me on that. वैसे मुझे red color बहुत पसंद है. So if we talk about the fabric, it's really nice. It's cotton. Fit भी एकदम ठीक है. हल्का सा loose fit है which I like. मुझे ऐसा ही पसंद है. And इसका pattern भी ऐसा ही होगा. एकदम fitted वाला नहीं अच्छा लगेगा ये. So next up, I got this t-shirt, white colored t-shirt. This is how it looks like. I am not wearing it because I absolutely hate it. तो इसलिए मैं इसको return करने वाली हूँ. And white है, मैंने makeup करा हुआ, हल्का सा भी लग गया तो वो वापस नहीं लेंगे. The material is so cheap. Look at that. The material is so cheap. जो picture डाली हुई है उन्होंने website पे, वो ribbed material की picture डाली हुई है. And that is like हल्का सा creamish tone. Like ये वाला white tone वो है जो नील लगाते ना वाइट कपड़ों पे, अगर तुम्हें पता है तो. वो वाला वाइट टोन है इसमें जो मुझे बिल्कुल भी, मुझे ये वाला वाइट टोन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. एंड ये एकदम पतला सा कपड़े का नॉर्मल टी शर्ट है, तो ये मैं नॉर्मल में भी नहीं पहन सकती हूँ. इसके नीचे मैं कुछ भी पहन लूँ ना, वो दिखेगा ही दिखेगा, सी थ्रू होएगा. और
वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ये रिटर्न करने वाली हूँ, तो तुम लोग भी मत ही लेना ये, तो इसलिए मैं पहन भी नहीं रही हूँ. सो यस, दैट्स दैट. ओके, सो द नेक्स्ट वन दैट आई गॉट इज दिस वेरी प्रिटी पिंक कलर का नेट में टॉप. सो इसके नीचे मैंने बेज कलर का कवर करने के लिए पहना है. आई थिंक इट लुक्स फाइन. अगर आपको बेज नहीं पहना, आपको सेम कलर पहनना, दैट टू यू कैन वेयर, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यू नो कम्फर्ट लेवल. सो इसके स्लीव्स इतने हैं विच आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे हल्का सा ऊपर कर लिया है. वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. ये वाली लेंथ इज स्टिल फाइन और फुल. ये जो बीच की होती है ना क्वार्टर स्लीव्स, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बट येस दैट्स दैट. टॉकिंग अबाउट द फैब्रिक, नेट का है बट फिर भी चुभ नहीं रहा है, 10/10. फिट एकदम परफेक्ट है, 10/10. इसकी लेंथ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द टॉप इफ यू आर वंडरिंग. अगेन मैं बाहर तो टॉप करके पहनती नहीं हूँ, सो इसलिए मैंने टकिन किया हुआ था. मैंने, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सेम टॉप व्हाइट में भी मंगाया. आई विल शो इट टू यू. सो यस, दिस इज द व्हाइट वन. एक्चुअली आई लाइक दिस वन बेटर. इसके नीचे बेज वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है. प्लस इसका जो फैब्रिक है उसका सॉफ्ट तो था, बट इसका सुपर सॉफ्ट है यू गाइज, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस टॉप, डोंट गो फॉर पिंक, गो फॉर व्हाइट, बिकॉज एक तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है, यू नो माई लव फॉर व्हाइट. ऊपर से इसके नीचे बेज भी अच्छा लग रहा है, और इसका जो कपड़ा है 10/10 यू गाइज. ये वाला तो मतलब ले ही लो, जितने भी दिखाए हैं उनमें से ये वाला टॉप तो ले ही लेना, क्योंकि ये बहुत प्यारा है यार. एंड ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना सस्ता होगा. सो द नेक्स्ट वन दैट आई गॉट इज दिस ट्यूब टॉप. सिर्फ इसकी ये जो स्लीव्स है ना, ये मुझे दिक्कत दे रही है, ये थोड़ी सी टाइट है, एंड मेरे हाथ तो वैसे ही बहुत पतले हैं, और मुझे ही टाइट है, तो वो और सबको और ज़्यादा टाइट होगा शायद ये. एंड आई गॉट इट इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, तो आई वुड प्रेफर एंड टेल यू गाइस कि स्मॉल ही लेना. मतलब अगर आपके हाथ मेरे जितने पतले तो एक्स्ट्रा स्मॉल ले सकते हो, बट प्रेफर दी ये वाला साइड, क्योंकि ये आप फिर भी फिट करा सकते हो, ये इलास्टिक है, तो वो अगर आप एक साइज बड़ा भी जाओगे तो आई थिंक आ जाएगा. बट अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट द मटीरियल, तो थोड़ा सा चीप है, मतलब बहुत एकदम बहुत परफेक्ट मटेरियल नहीं है. अदरवाइज इसमें ये जो टायर्स है टॉप में और जो भी डिटेलिंग है ट्यूब, आई लाइक इट. मैं अगर एक बार भी पहन लूंगी तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा, वो वाली बात है. सो दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक. इट इज ग्रे इन कलर, मतलब कलर भी ना सामने से देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्का सा ऐसे फेडेड सा नहीं होता, बट दैट्स द पैटर्न एक्चुअली इस टॉप का. सो यस दैट्स दैट. So the last one that I got is another t-shirt. It is loose pattern mein. I loved the print actually. I loved the color combination aur print bhi mujhe bahut acha lag raha tha. Is wajah se maine ye order kar liya tha. Agar aap t-shirts pehante ho to t-shirts mein to itne options hai na 300 ke niche ki aap dekhte dekhte pagal ho jaoge, lekin t-shirt ke options khatam nahi honge. Very nice, and this creams Niharika literally. इन समर्स आई जस्ट वॉन्ट लूज क्लोथ्स, एंड इतना हल्का कपड़ा, मतलब इट्स नॉट खराब कपड़ा, इट्स सो लाइट कि आपको पहनकर पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ पहन रखा है. दिस इज दैट, एंड आई एम इन लव यू गाइज. दिस टी शर्ट इज सो सो नाइस, एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. I really hope you all enjoyed it. If you did, then you know the drill, like, share, comment and subscribe to my channel. Also hit that bell icon so that you get notified every time I upload a video. Lots of love, you guys.